शुक्र है तूने ये खुशी का दिन दिखाया। रहमत जी बेगम साहिबा, नजर न्याज का इंतजाम करो, खैरात में बरकत है। जो इरशाद। ये बातें कोई क्या समझे, ये बातें कोई क्या जाने, निगाहे यार ही समझे, निगाहे यार की बातें, निगाहे यार की बातें। गली में तूर से पूछी तेरे दरबार की बातें, कहा उसने कहूँ मैं किस तरह, कहा उसने कहूँ मैं किस तरह, दिलदार की बातें, दिलदार की बातें, कहूँ दिलदार की बातें, निगाहे यार ही समझे, निगाहे यार की बातें। मोहब्बत करके रुसवाई से कब डरते हैं दिल वाले, जमाना
जो उनका दिल कहे उनसे वही करते हैं दिल वाले, जो उनका दिल कहे उनसे वही करते हैं दिल वाले, वही करते हैं दिल वाले, वही करते हैं दिल वाले। कसम अल्लाह की शायद आजमाना है मुहम्मद का, कसम अल्लाह की शायद आजमाना है मुहम्मद का, कसम अल्लाह की शायद आजमाना है मुहम्मद का। दिलों में सारी दुनिया के ठिकाना है मुहम्मद का, जहाँ मिलती है बख्शिश वो घराना है मुहम्मद का, जहाँ मिलती है बख्शिश वो घराना है मुहम्मद का। गुनाहगारों के लपर की है सरकार की बातें, गुनाहगारों के लपर की है सरकार की बातें। निगाहे यार ही समझे निगाहे यार की बातें, खुदा के बंदो सुनो हार से खुदा की कसम बस, निगाहे यार ही समझे निगाहे यार की बातें, निगाहे यार ही समझे निगाहे यार की बातें, निगाहे यार की बातें। मेरी जान ग्रहण से निकल कर आया है तू, कितना खूबसूरत, मैं नहीं देखूंगी तुझे, नजर न लग जाए मेरी। नसीमा कैसी तबीयत है अब? बहुत देर के बाद याद किया है अपनी नसीमा को। इस वक्त बड़ी मुश्किल से आ सका, और अगर अम्मी यहाँ आ गई तो? तौबा, कहेंगे किस कदर गुस्ताख है हमसे, बड़ी शर्म आएगी। मुझे खुद बड़ी शर्म आ रही है, और भाईजान उनके सामने तो मुद्दतों नहीं जा सकूंगी। सिर्फ एक नजर? जी नहीं। अच्छा सिर्फ एक झलक? तो फिर लाइए मुंह दिखाए। क्या लोगे? कोई अनमोल चीज। इस वक्त तो 2000 रुपए लाया हूं। रहने दीजिए। अच्छा 3000? 5 पर मानोगी? जी नहीं, 10000 भी नहीं, 1,00,000 भी नहीं। तो फिर ये सौदा नहीं बनता। बन सकता है। कैसे? सिर्फ वादा मोहब्बत। तुम्हें मेरी मोहब्बत पर शक है नसीमा? नहीं तो अंदेशा है। नसीमा आज पहली बार तुम्हारी जबान से ऐसी बात सुन रहा हूं। मेरे अच्छे अमजद, सुनते चले आए हैं कि औलाद हो जाने के बाद बीवी शोहर को प्यारी नहीं रहती। पगली औलाद तो मियां बीवी की मोहब्बत पर मोहर है। खुदा करे ऐसा ही हो, आप सच कहते हैं ना? खुदा गवाह। माशाल्लाह काफी बदशकल है। बापर जो गई है माशाल्लाह। वैसे काफी खूबसूरत है। आंखें बंद कर लीजिए, नजर न लग जाए। तौबा, बड़ी शरीर हो। अच्छा जी कर लीजिए जी भरकर प्यार, कोई नहीं देखता आपको। फिर तो कोई शरारत नहीं करोगी? अरे नसीमा लंगी मुझे सो रही है कि जाग रही है? मेरे गुलाब के फूल, चल तुझे तेरे ताया अब्बा के पास ले चलूं, किस कदर बेताब है तुझे देखने के लिए। ठहरी अम्मी जान, क्या बात है? सो रही है। बहुत अच्छी बात है, तंदुरुस्त बच्चे सोया ही करते हैं। जी अरे नसीमा घबरा क्यों रही है? जी कुछ नहीं, इसके पेट में दर्द है। अरे लड़की तेरी अकल तो नहीं मारी गई?
दबा के रही है उसे, मुझे देखने दे, उसका पेट सख्त तो नहीं। जी नहीं। बड़ी बेगम यहाँ आइए, अरशद मैं बुला रहे हैं। ओ खुदाया, किस मुश्किल में जान फंस गई थी। अरे क्यों बुलाया अरशद ने मुझे? जी उन्होंने नहीं बुलाया। अरे तो मुझे क्यों बुला लाई? बच्ची के पेट में दर्द है, जरा देख तो लेने दिया होता। अरे नसीमा, और देख बच्ची को कुछ उठा के रखना। नहीं। हाँ, दवाखाना इसी को कहते हैं कि? मेरा नाम फजलुद्दीन है जी। शुक्रिया। आपका नाम? बशीर अहमद। लीजिए। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा लाइन से आइए जनाब। क्या मतलब? भूख बहुत लगती है डॉक्टर साहब, इसी का तो इलाज कराने आए थे आप। माशाल्लाह, अगले महीने घर वाले फाके मर जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर ऐसी दवा लिख दो जिससे भूख मर जाए। जी नहीं, कोई ऐसा नुस्खा लिख दीजिए जिसमें इस गरीब की तरक्की हो जाए, वरना ये गरीब मर जाएगा। कितनी तनख्वाह बढ़ जाए तो काम चलेगा? कोई 20-25 रुपए। अच्छा तो आज की फीस निकालिए, ये लीजिए। ये लीजिए 20 रुपए आपकी तनख्वाह में बढ़ गए। खुदा शुक्रिया। तशरीफ लाइए जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए अपना। नाम? 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 कुछ याद नहीं। नाम याद नहीं? आप इलाज कराने आए हैं या मजाक करने? नाम याद रहता तो इलाज ही क्यों कराने आता भाई। अजीब आदमी है आप भी। अलग हटकर नाम याद कर लीजिए, दूसरों का वक्त क्यों खराब कर रहे हैं। अरे ठहरो भाई, याद कर लेने दो। नाम? क्या नाम हो सकता है हमारा? अजीब आदमी थे हमारे माँ बाप भी, न जाने क्या नाम रख दिया है हमारा, और न जाने कहाँ उठा के रख दिया, मिलता ही नहीं। अजी हजरत रुखसत हो जाइए और अपना नाम याद करके आइए। जी बस मिल गया, मिल गया। रुखसत? रुखसत अली वल्द 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 शरबत अली? अजी नहीं, रुखसत अली वल्द फुरकत अली। बनाइए जल्दी से टिकट। लीजिए। बस हो गया हमारा इलाज। अस्सलामुअलैकुम। फरमाइए जी। वो इलाज कराने आया हूँ। क्या तकलीफ है? तकलीफ तो कोई खास नहीं। फिर क्या शिकायत है? कुछ है जरूर, लेकिन इस वक्त याद नहीं आ रहा। लीजिए, जब याद आ जाए तो तशरीफ ले आइएगा, इलाज हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब तक कोई परहेजी शुरू कर दिया जाए। जी? यही गुड़, तेल, खटाई। जैसी आपकी मर्जी। अगर कहीं से गन्ना मिल जाए तो चूस लेने में कोई हर्ज भी नहीं। जी को खास हर्ज तो नहीं। खाने के लिए शलगम, गोभी, साग, तंबाकू, इसी किस्म की चीजें मेरे ख्याल में खा लेनी चाहिए। जो मर्जी आए खाइए, लेकिन मेहरबानी करके डॉक्टर के भेजे से परहेज रखिए, इसे ना खा जाइएगा। जी बहुत अच्छा, शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदाब बुला भाई। आदाब, खैर तो है? मैं अब्बा जान की दवा लेने आई हूँ। मैं खुद ही पहुंचा देता, तुमने क्यों तकलीफ की? मैं आ गई तो कोई हर्ज है? ना आती तब भी कोई हर्ज नहीं था। खैर चलो, नवाब साहब को इंजेक्शन भी देना है। थैंक यू। वाह वाह, बड़ी अच्छी बेटी। अच्छी बेटी को क्या चाहिए? अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा आप बताइए क्या कहते हैं? आपको सब कुछ मिलता है, क्यों घबरा गए? देखिए उधर। हाँ 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 चलो 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 बाहर जाए। चलिए बेटे आप। शाबाश, बड़ी अच्छी बेटी। अरशद मियां को कितनी दिलचस्पी है बच्चों से, देखिए ना, सैकड़ों रुपए खिलौनों में बर्बाद कर देते हैं। ना दीदा था बेचारा, अब खुदा ने भतीजी दी है, पागल हो रहा है उसके पीछे। अब तो अरशद मियां को शादी कर लेनी चाहिए, कब तक बहू बेगम का सोग मनाते रहेंगे? खुदा करे वो दिन आ जाए कि मेरी दोनों आंखें रोशन हो जाएं। आमीन। खुदाया तेरा शुक्र है, इस बच्ची को जिंदगी दे। नशाबा, काश आज तुम होती, तुम्हें भी तो बच्चों से बड़ा प्यार था। गैरों के बच्चे हमेशा खिलाया करते, जब इस घर में उजाला होगा तो मैं अपने चांद के लिए मीठी मीठी लोरियां गाया करूंगी। ये चांद और सितारे लोरी सुनने के लिए बेताब है। Oh
आदावत करता हूँ। घर कबूल अफ्तर दहेज दो शरफ। कबूल किया। शुक्रिया शुक्रिया किमली। बेबी सो गई? बड़ी मुश्किल से सुलाया है, सुबह से अब्बा अब्बा पुकार रही थी। कौन, आप या बेबी? जी नहीं, आपकी बेबी। ये अब्बा अब्बा ठीक नहीं, डैडी कहलवाओ। मुंह बनवा कर आइए अपना। क्या ये वही आंखें हैं नसीमा जो अब से कुछ दिन पहले थी? फिर बदली हुई है। क्यों कर? पहले इनमें शोखियां छलकती थी, मस्तियां उबलती थी, शरारतें नाचती थी, और अब सच देख लीजिए, अब है नहीं कुछ बाकी। हाँ, कौन है वो भला बताइए तो? जिसके लिए तुम्हारी इन मासूम आंखों में ममता के चश्मे उबल रहे हैं, शफकत मादरी किस जोश के साथ नए मेहमान की नाज बरदारी में लगी हुई है। सच है ना? सच है। इस बच्ची की आमद ने घर की चहल पहल में चार चांद लगा दिए है। अम्मी जान एक तरफ खुश हैं और भाई जान दूसरी तरफ फूले नहीं समा रहे। और आप हैं कि हमारे लिए रुखसत अली बनी हुई। क्या मतलब? मतलब ये कि नया है पुराने को दूर करो जी। सिर्फ दो चार दिन आपकी खिदमत का मौका नहीं मिला तो लगे ताने देने। हजार दफा तुम्हें मना किया कि तुम्हारी जूते वूते खोलने की आदत मुझे पसंद नहीं, मगर तुम होके बाजी नहीं आती। शोहर के कदमों में जन्नत है, आप क्या जाने। ऐसा ही कोई आसान नुस्खा जन्नत में जाने का हमें भी बता दीजिए। क्यों नहीं, जो शोहर बीवी को खुश रखेगा, उसकी मर्जी पर चलेगा, सीधा जन्नत में जाएगा। नसीमा, जानती हो जन्नत में हूरें भी होती हैं। तौबा कीजिए, आपको वहाँ तन्हा कौन जाने देगा, मैं भी साथ रहूंगी। और अगर मैं पहले पहुँच गया तो? बस कीजिए, कोई और बात कीजिए। हाँ, बेबी का नाम क्या रखिए? भाईजान खुद ही तजवीज करेंगे, इस बच्ची की ज्यादा खुशी तो उन्हीं को है। खुदा करे वो इस खुशी में अपना दर्द भूल जाए और शादी कर ले। आमीन। अगर आप इजाजत दें तो मैं तलब के लिए अब्बा जान से बात करूं। खफा तो ना हो जाओगी? आप यही कहेंगे ना कि तलब की माँ तवाइफ है। और ये है भी सच, लेकिन इसमें गरीब तलब का क्या कसूर है? पर भाईजान कबूल नहीं करेंगे। फिर तो तलब की जिंदगी बड़ी दर्दनाक होगी। खुदा खैर करे। रात क्यों रो रही थी अजीजा? अजीजा बड़ा प्यारा नाम है। अरशद ने यही नाम रखा है। भाईजान आज सुबह से नजर नहीं आए। सैर को गए हो? जी नहीं, वो आज कमरे ही से नहीं निकले। बेटा। जी अम्मी। देख अजीजा आई है। कितना खूबसूरत तोहफा है, इंसान के लिए कुदरत का बेहतरीन नतीजा। खुदा इसे जिंदगी दे। जाने वाला फिर कभी लौट कर नहीं आया बेटा। नौशाबा का ख्याल दिल से निकाल दे, तेरा घर आबाद कर दो, इसी तरह तेरी औलाद का भी मुंह देख लू। देख सदमों से बूढ़ा हो चला है तू। माँ के होते इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता अम्मी। और औलाद के होते ही माँ बूढ़ी हो जाती है, कहा मान ले। तलक पढ़ी लिखी है और फिर घर की बच्ची है, नसीमा भी इस रिश्ते से खुश होगी। तलक से रिश्ता तो कुजा, मैं तो उसका यहाँ आना जाना भी पसंद नहीं करता। मुझे अमजद और नसीमा की खुशगवार जिंदगी प्यारी है। डर है तलत अगर इसी तरह आती जाती रही तो इस घर में कोई नया गुल ना खिला दे।
अमजद और नसीमा में खुदा के फजल से इतनी मोहब्बत है कि तलत जैसी हजार भी इन्हें बदगुमान नहीं कर सकती। शादी और बर्बादी मेरे लिए तो दोनों हो चुकी, अब तो जिंदगी अजीजा के सहारे गुजर जाएगी जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। बहुत काम हो गए अजीजा के, बेशुमार, सुबह से शाम और शाम से सुबह कर दूंगा, अपने साथी से बाजार ले जाया करूंगा, खिलौने दिलाकर लाया करूंगा, हर रोज नए, बिल्कुल अनोखे, कभी झुंझुना कभी गुड़िया कभी मोटर कभी रेल, अच्छी से अच्छी गेंद, बढ़िया से बढ़िया बल्ला खरीद कर लाया करूंगा अजीजा के लिए। जब ये बड़ी होगी तो मुझे ताया अब्बा कहकर पुकारा करेगी। अमजद और नसीमा की गोद से उछलकर इसी तरह मेरे सीने से चिमक जाया करेगी। मैं पूछूंगा, बताओ बेटा अजीजा मैं कौन हूं, बोलो बेटा अजीजा मैं कौन हूं, बोलो बेटा। शाबाश, बड़ी अच्छी बेटी। दो साल गुजर गए इस खेल, अब कुछ देर सुस्ता लो। क्यों बेटी, ठीक है ना? अब तुम जाओ, अपनी अम्मी जी से सलाम करके आओ, फिर नाश्ता करें। अजीजा, लो दादी माँ, सलाम करो। जीती रहो मेरे चांद, तुम्हारे अब्बा जी दवा खाने जा रहे हैं, आओ उन्हें भी सलाम कर लो। ये दवाएं बाजार से ले आइए, तरकीब से पूछ जाइएगा, इंशाल्लाह फायदा हो। थैंक यू डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये आपके मरीज थे, गलती से हमारे यहाँ चले आए थे। डॉक्टर हैं दिन के? जी हाँ, वो तो कहिए आपके दवा खाने की पर्ची निकल आई, वरना बेचारे तो सभी कुछ भूल गए थे। अच्छा, डॉक्टर साहब से मेरा सलाम कहना। बहुत अस्सलाम वालेकुम। आप पहले भी कभी तशरीफ लाए हैं ना? मुझे कुछ याद नहीं। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। ख्याल रखा करो। वेरी सॉरी डॉक्टर। आज कोई हर्ज नहीं, मैं समझा कुर्सी है। तशरीफ रखिए जी। ठीक ठाक कुर्सी पे। शुक्रिया। हाँ तो फरमाइए, कैसे तशरीफ लाए? जी आए तो जरूर किसी काम ही से हैं, भूल गए। आप रहते कहाँ हैं? इसी शहर में। किस मोहल्ले में? ये याद नहीं, मुद्दतों के बाद मकान मिल गया था, अब हफ्ते भर से फिर भूले हुए। बीवी बच्चे तो आपके जरूर होंगे? हाँ जी, बीवी बीवी का कुछ ख्याल है, मगर बच्चों बच्चों का पता नहीं कहाँ चले गए। मेरे ख्याल में आपको नसियान का मर्ज है, कुछ याद नहीं रहता। जी बिल्कुल यही। मैं इलाज करूंगा आपका, लेकिन मुश्किल तो यह है कि ना तो आप अपने मकान जा सकते हैं और ना मकान से दवाखाने आ सकते हैं। मुश्किल तो यही है। मेरे ख्याल में मैं आपको अपने साथ ही रखूं ताकि कुछ इलाज हो सके। तो फिर परहेज शुरू कर दिया जाए अभी से? वो भी हो जाएगा। फरमाइए। क्या आप मरीज को देखने चल सकेंगे? क्यों नहीं, लेकिन फीस 32 रुपए होगी। मेरे पास तो अब रोने के लिए आंसू भी नहीं रहे, और उनकी हालत खतरनाक है। शहर के 3-4 डॉक्टरों से इल्तिजा कर चुकी हूँ, बगैर फीस के कोई भी तैयार नहीं होता। खुदा के लिए मेरा सुहाग बचा लीजिए। मरीज यहाँ नहीं आ सकता? वो चलने फिरने से माजूर है, मैं खुद पैदल भागती फिर रही हूँ। ये देखिए मेरी हालत, मैंने कभी किसी नामहरम के सामने मुंह नहीं खोला, मगर आज अपने शोहर की जिंदगी बचाने की खातिर आपके सामने बेपर्दा हो रही हूँ। मुश्किल यह है कि यहाँ भी काफी मरीज मौजूद हैं। अगर मैं आपके साथ चलता हूँ तो इन सबको परेशानी होगी। अगर मैं आपको फीस देने के काबिल होती तो आपको किसी भी मरीज की परेशानी का ख्याल ना होता। आप गलत समझ रही हैं, मैं डिस्पेंसरी का काम खत्म करके आपके साथ चल सकूंगा।
उस वक्त तक तो वो, या अल्लाह मैं क्या करूं, कहां जाऊं, अब तो मुझ में चार कदम चलने की ताकत भी नहीं रही। ठहरिए, मैं साथ चल रहा। तेरा शुक्र है खुदाया, शुक्र। आप मेरे आने तक यहीं बैठे रहिए। जी क्या फरमाया, चला जाऊं मैं? जी नहीं, यहीं बैठे रहिए। बहुत अच्छा, बस डॉक्टर साहब यही जगह। कैसी तबीयत है? जो बदकिस्मत अपनी मजलूम बीवी को एक रोटी तक ना खिला सके वो आपकी फीस क्यों कर दे सकेगा डॉक्टर साहब? आप इसकी फिक्र ना करें। ये बीमारी मेरी जवानी की बुराइयों का नतीजा, मैंने हमीदा पर जुल्म किया, ये यतीम, मैंने इसकी गुर्बत से नाजायज फायदा उठाया, लोगों ने इसे लावारिस समझकर मुझे शराबी और बदमाश के पले बांध दिया, जिस दिन मैं इसे ब्याह कर लाया उसी दिन मुझ पर फालिज का हमला हुआ। आप खामखा बददिल हो रहे हैं, खुदा इस बदकिस्मत लड़की की दुआ जरूर कबूल करेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके इलाज में किसी किस्म की कोताही नहीं होगी। आपका एहसान डॉक्टर साहब, जरा सांस लंबा लीजिए। मैं रोजाना इन्हें आकर देख जाया करूंगा, अगर खुदा ना खास्ता इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो मुझे इतला करा देना। ये कार्ड रखो, इसमें घर का पता भी है। तेरा शुक्र है खुदाया, तूने मेरी मुश्किल हल कर दी। सलाम अलैकुम। पहले तो हफ्ते अशरे में एक दफा दौरा पड़ता था, मगर आज सुबह से दो दफा पड़ चुका है। मैं दौड़ी हुई दवा खाने गई, दो घंटे इंतजार किया, लेकिन डॉक्टर साहब गायब, किसी मरीज को देखने गए होंगे। कहने लगा डॉक्टर साहब को एक नौजवान लड़की ले गई है। कोई भी हो, हमें इन बातों से वास्ता, डॉक्टर को फीस नहीं और इलाज कराएं। है बगैर फीस के बुला कर ले गई है। चल हट, तुझे ऐसी बातें सूझा करती हैं। आपा आप तो बड़ी भोली हैं। अब्बा जान की तबीयत खराब है इसीलिए ही आई है, पहले दवा खाने गई, जाइए उन्हें देख आइए। देख आया, अब अच्छे हैं। आज दवा बदली है, इस्तेमाल का तरीका भी जुदा है। साली भनोई की कभी भी आपस में नहीं बनती, जंग ये एक दूसरे को जली कटी सुनाने लगे। आज आप परेशान से क्यों नजर आ रही हैं? कुदरत एक अजीब किस्म की पहेली है नसीमा, इसे जिस कदर भी बूझने की कोशिश की जाए इंसान उतना ही उलझन में पड़ जाता है। आखिर बात क्या है? काश मैं डॉक्टरी के बजाय कोई और पेशा अख्तियार कर लेता, बाज़ औक़ात ऐसे वाकयात पेश आते हैं। वैसे तो ये घर किसी भी पेशे का मोहताज नहीं, मगर चूंकि अल्लाह ने इंसान की खिदमत को इबादत का दर्जा दिया है, इस नजरिए से आपका पेशा तमाम पेशों पर सबकत रखता है। बशर्ते के इंसानों की चीर फाड़ करते करते डॉक्टर इतने सख्त दिल न हो जाएं कि किसी गरीब के आंसू भी उन पर असर न कर सके। यकीनन आज को गैर मामूली वाकया पेश आया है। वैसे तो हम अक्सर दर्दनाक वाकया से दो चार होते रहते हैं, मगर आज तबीयत पर ज्यादा असर हुआ। अगर हर्ज ना हो तो मुझे भी बताइए। नसीमा फर्ज करो मैं शराबी बदमाश और बूढ़ा होता। खुदा न करे ऐसा हो। मैं बीमार होता इतना कि करीब उलमर्ग, और तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी तक न होती मेरे इलाज के लिए। खुदा के लिए बस कीजिए। तुम्हें चार मील पैदल चलकर डॉक्टर के पास जाना पड़ता और डॉक्टर तुमसे फीस का मुतालबा करता,
नसीमा बताओ सब तुम्हारे दिल की क्या हालत होती? है मेरी। और अगर फर्ज करो तुम डॉक्टर होती और एक बदकिस्मत लड़की इस हालत में तुम्हारे पास आती तो तुम क्या करती? अपने ईमान से वही जवाब कर चुकी है। सच नसीमा, मुझे उस लड़की पर बड़ा तरस आया। खुदा खर्च करे ऐसे बेईमानों को जो ऐसी गरीब लड़कियों को शराबी और बूढ़ों के पल्ले बांध देते हैं। मैं वादा कराया हूँ कि उस शख्स का इलाज मुफ्त करूंगा, हत्ता कि दवाइयों का खर्च खुद ही बर्दाश्त करूंगा। खुदा आपको इसका अजर देगा। ओ, मैं तो भूल ही गई, माफ कीजिएगा, भाईजान आपको याद कर रहे थे। वो तो खुद भी भूल गए होंगे, उन्हें अजीजा क्या मेरी दुनिया मिल गई। मिल लेता। हमारी बेटी और बाबा इकट्ठे जुदा जुदे गए। वाह जी वाह, कमाल हो गई, आज तो बेटी खूब जुदा जुद रही है। किसकी बेटी है जरा जल्दी से बता दीजिए। दाया बेटी। आओ हम चुनिया। वाह कमाल हो गई। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बेटी ओ बड़ी अच्छी बेटी है। वाह वाह, कल तुम्हारी सालगिरह है। सुना बेटी, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे हम। जो ना होता है इस घर में वो होगा कल। क्यों बेटी, ठीक है ना? सुन रहे हो अमजद मियां? जी भाईजान। जो ना होता आया इस घर में वो होगा। सुना अम्मी। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है बेटा, लेकिन ऐसी कोई बात ना हो जिससे लोगों को उंगलियां उठाने का मौका मिले। उठाने दो लोगों को उंगलियां, अजीजा की खातिर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। कल तो सभी कुछ होगा अम्मी। आज तो भाईजान ने इस कदर एहतमाम कर दिया है, मारे खुशी के फूले नहीं समा रहे। मालूम होता है अरशद की जिंदगी अजीजा की मुट्ठी में होकर रह गई। अजीजा ताया अब्बा जान से कहो ना कि शादी कर ले। वारी जाऊंगी मैं सत्ते जाऊंगी, आज खुशी का दिन है क्यों ना गीत खुशी के गाऊं। मैं वारी जाऊं मैं सत्ते जाऊं, वारी जाऊं वारी जाऊं दी मैं सत्ते जाऊं दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तशरीफ ले आए, बड़ी खुशी हुई।
आता क्यों नहीं? अजीजा की खुशी से बढ़कर मुझे और क्या चाहिए? आखिर खून है मेरा, और फिर ऐसी महफिल आपके हाथों हो, भला मैं चूकने वाला? थोड़ी देर के बाद आ जाऊं तो फिर शायद आपकी जरूरत ना पड़े। ये सोचने का वक्त नहीं डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए। अच्छा चलो। मुझे माफ कर, खुदा के लिए मार बख्श दो।
सुना है जिंदगी का सत्ता भी होता है डॉक्टर साहब, क्या मौत का फरिश्ता इस वक्त मेरी जान कबूल करेगा? सबर करो अमीना। हर शख्स खुदा की तरफ से आता है और उसी की तरफ वापस चला जाता है। जरा सोचिए तो सही कि अपने घर की इतनी बड़ी खुशी छोड़कर उसके साथ हो लिए। तुम्हें तो हवा में फरिश्ते नजर आते हैं, वो कोई मोती चूर के लड्डू तो नहीं जो निगल जाएगी? बाजी इस भुलावे में न रहिए, बीवी की जरा सी गफलत से अच्छे अच्छे पारसा चौपट हो गए हैं। पहले चुप रहो। तौबा, अजीब पेशा है डॉक्टर का, ना मियां को चैन ना बीवी को। उफ, बड़ी देर हो गई, मरीज इंतजार कर रहे होंगे। आज रात को सबने बुरा मनाया, घर की खुशी छोड़कर चले गए और आए भी तो सुबह। अजीब दुनिया है ये, कहीं शादी के जलसे कहीं मातम की मजलिस। आखिर कौन थी वो जिसके इशारे पर रात को उसके साथ हो लिए? कफन दफन का इंतजाम करके आया, जारो कतार रो रही थी करीब। तौबा, रोंगटे खड़े हो गए हैं सुनकर। अमीदा, आपको कई दफा समझा चुकी हूँ मैं पर्दा करती हूँ, आप क्यों घर में घुसाया करते हैं? ओहो, मैं तो बुरी नीयत से नहीं आया, तुम्हें समझाने आया। मैं सब समझती हूँ। समझ लेती तो फिर झगड़ा ही क्या था। मैं घर में अकेली हूँ, आप फौरन चले जाइए। ओहो, तुम तो सीधे मुंह बात ही नहीं करती, यही तो कहने आया हूँ कि कब तक अकेली रहोगी, आखिर किसी न किसी को तो साथी बनाना ही होगा। तुम जाते हो या चीख कर मोहल्ले वालों को बुलाऊं, वो मार पड़ेगी कि याद रखो। मार खाकर भूल जाना तो हमारी पुरानी आदत है, और फिर मोहल्ले में किसकी मजाल है जो मुझसे आंख भी मिला ले, और फिर मैं तो तुम्हें समझा बुझा कर ही राजी करूंगा। खुदा के लिए मुझ बेकस पर रहम करो और चले जाओ यहाँ से। देखो अमीदा बेगम, ऐसा ना हो कि मुझे फिर घी निकालने के लिए अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ जाए, याद रखो। शर्म नहीं आती तुम्हें इस गरीब मुसीबत को तंग करते हुए? अजी, मैं तो इनका मिजाज पूछने आया था डॉक्टर साहब। अगर तुम्हारा मिजाज मैं पूछ लूं अभी तो बुलाऊं पुलिस को? ये लीजिए जी, हम चल दिए बस। खबरदार जो आइंदा यहाँ है। अजी, हम तो आपके बच्चे हैं डॉक्टर साहब, बच्चे। खुदा का शुक्र है आप वक्त पर आ गए, वरना ना जाने। मैंने कह रहा था उस दिन कि तुम्हारा यहाँ रहना खतरनाक है। मुझे क्या मालूम था ये दुनिया बदमाशों और लुटेरों से भरी पड़ी है, एक बेकस और मजबूर को इज्जत से रहने भी नहीं देंगे। अब क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं अपने शोहर का घर छोड़कर जाऊं थी, कहा कोई ठिकाना भी तुम्हें? दुनिया में औरत के तीन घर होते हैं अमीदा, पहला शोहर का, दूसरा माँ बाप का और तीसरा भाई का। ना माँ बाप है मेरे और ना भाई। तुम्हारा भाई मौजूद है? मेरा भाई? हाँ मेरी मजलूम बहन, खुदा के फल से तुम्हारे भाई का घर मौजूद है, चलो मेरे साथ। रो नहीं मीता, चलो। सच बाजी, मैंने तो सुना है दूल्हा भाई रोजाना ही हमीदा के घर जाते हैं और उसका तमाम खर्च भी खुद ही उठाते हैं। और कल तुम सुनकर आओगी कि उन्होंने उसे घर में भी डाल लिया है, पगली। तभी आंख खुलेगी आपकी। तौबा, मेरा दिमाग मत खराब करो तल्लत, पढ़ी लिखी होकर जहल जैसी बातें करती हो। वो आ गए। आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? आदाब अम्मी जान। जल्दी कैसे आ गए बेटा, ये कौन है? है तो इस गरीब की लंबी कहानी, लेकिन मुख्तसर ये कि मैं इसके खाविन का इलाज कर रहा था, वो जिंदा ना रह सका। पहले ये यतीम थी, अब बेवा भी हो गई है। महल्ले के गुंडों ने इसे तन्हा समझकर परेशान करना शुरू कर दिया। ये लाचार है, कोई ठिकाना नहीं इस गरीब का। आखिर मैंने इसे पनाह दी, अगर आप दोनों भी इजाजत दें तो ये जिंदगी के बाकी दिन यहाँ इज्जत से गुजार दें।
बस किस्मत बेचारी, तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? हमीदा। मजलूम की हिमायत और लाचार की मदद है इबादत। मुझे तुम्हारे इस फेल पर बेहद खुशी हुई है अमजद। खुदा तुम्हें इससे ज्यादा रहम दिल बनाए। हमीदा, इस घर को अपना घर समझो। यहाँ की हर चीज तुम्हारी है, जो जी चाहे खाओ पियो और खुश रहो। लीजिए, अब तो सुनने सुनाने का किस्सा ही बाकी नहीं रहा। मुस्तकिल तौर पर ले आए हैं यहाँ। तलक मुझे कुछ सोचने दो। मत को शुरू ही में रोक देना चाहिए बाजी, अगर जड़ पकड़ ले तो इलाज मुश्किल हो जाता है। किस मर्ज का इलाज हो रहा है ये? डॉक्टरी कब से शुरू कर दिया आपने? जब से आपने आबादकारी का काम संभाल लिया है। तौबा, फिर वही नौकझोंक। कभी तो सीधे मुंह बात किया करो दोनों। आजकल तलब की हमदर्दी तुमसे गैर मामूली तौर पर बढ़ती जा रही है। कुदरती बात है, हम दोनों का तो एक ही खून है, मगर आपकी हमदर्दी गैरों से इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? तलक, बको मत, मजाक फसाद की जड़ है। अब्बा जान के बारे में जो कुछ मालूम करना है करो और घर जाओ। कल के हालात तो मैं बता चुकी थी, बस आज का दिन भी वैसा ही गुजरा। तब फिर वही दवा देती रहो, मैं कल आके इंजेक्शन दे दूंगा। बहुत अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। और कोई कसर बाकी रह गई है तो वो ही पूरी करती जाओ, वरना रात भर नींद नहीं आएगी। अगर कोई इतराज ना हो तो हमीदा बेगम से अपना तारुफ करवाती जाओ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, निकलो यहाँ से, चलो। अच्छा दूल्हा भाई, खुदा हाफिज। शैतान हाफिज, दफा हो। तू कोई नौकरानी है जो रोजाना पैर दबाने बैठ जाती है? बेटी तो हूँ आपकी। हाँ बेटी, तेरे आने से घर की रौनक बढ़ गई है। कितना सलीका है तुझ में, और बेबी तो तुझसे इस कदर मानूस हो गई है कि नसीमा तक की परवाह नहीं करती। मुझ बेकस पर आपने कुछ कम एहसान किया है, वरना खुदा जाने कहाँ कहाँ की ठोकरें खाती फिरती। कैसी चांद सी सूरत है तेरी, जवानी में किस्मत फूट गई। खैर, अल्लाह को मंजूर होगा तो फिर खुशी के दिन देख लेगी। मैं अब जिस हाल में हूँ बहुत खुश हूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐ बेटा, अभी तेरी उम्र ही क्या है, मैं तुझे अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगी। ये क्या कहा आपने? बुराई की बात नहीं, खुदा रसूल का हुक्म है बेटा, जवान बेवा का निकाह जायज है। खुदा के लिए मुझे कभी इस बात के लिए मजबूर न कीजिए, वरना मैं समझूंगी जिस तरह हर बेटी माँ बाप के लिए बोझ बन जाती है, इसी तरह मैं भी आपके लिए। तौबा कर हमीदा, तू मेरे लिए अरशद, अमजद और नसीमा से जरा बराबर कम नहीं। ये क्या कर रही? मैं तो खुद बहुत मना करती हूँ लेकिन ये नहीं मानती, रोजाना ले जाती है और पॉलिश करके ला रखती है। हमीदा रख दो इन्हें, आखिर तुमने खुद को खादमा क्यों समझ रखा है? कौन सा बड़ा काम है ये, और फिर किसी गैर का तो नहीं। तौबा, अजीब जिद्दी लड़की है। अजीब तो आप हैं जो हमीदा की उदासी का मतलब नहीं समझते। तुम ही बताओ। यही कि आप उसकी शादी क्यों नहीं करा देते? लेकिन इस किस्म का इजहार उसकी तरफ से भी हो। औरत भी कभी अपनी जुबान से कुछ कहती है कुछ समझना चाहिए, आखिर वो जवान है और इस तरह घर में बिठाए रखने से बदनामी होती है। कैसी बदनामी? यही कि एक खूबसूरत और नौजवान लड़की से ऐसा क्या लालच। पागल न मत। लीजिए, अजीजा बेगम खुद अपना नाश्ता तैयार करके लाई है। अच्छा, हमारी बेटी नाश्ता तैयार करके लाई, खुद तैयार किया है ना बेटी? आओ हमीदा बेटी, बैठ जाओ। मुझे नाश्ते की आदत नहीं। अच्छा चाय ही पी लो, मैं वहाँ पी लूंगी। बैठ जाओ हमीदा। मेरे जाने के लिए तो अब सिर्फ कब्रिस्तान है, वक्त आएगा चली जाऊंगी। इस कदर छोटा दिल क्यों कर रही हो? भाईजान खुद तुम्हारी फिक्र में है, जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिला तुम्हारा निकाह कर देंगे। घबराओ नहीं हमीदा, जो भी होगा तुम्हारी मर्जी से होगा। मैं यही जानना चाहता था, तुम्हारा मंशा मालूम हो चुका है, अब तुम्हें कोई भी मजबूर नहीं करेगा, हंसी खुशी रहो। ये अब्बा जान के पास जा रहे हैं, अगर इजाजत हो तो मैं भी चली जाऊं, शाम को आते वक्त लेते आएंगे। हाँ चली जाओ, मेरा सलाम कहना और तबीयत भी पूछना। अजीजा, तुम ताए अब्बा के पास रहो, मैं शाम को आ जाऊंगी। दुल्हन के तेवर बदले हुए हैं अम्मी, ऐसा ना हो कि अमजद और नसीमा की खान की जिंदगी में बहचाल आ जाए। खुदा ना करे,
मुद्दतों के बाद तो इस घर में थोड़ी सी खुशी नसीब हुई है। और वो तलत के हाथों तबाह होती नजर आ रही है। दुल्हन का जहन शक्को शुबे के दलदल में फंस कर रह गया। अम्मी बड़ी मुश्किल में है। हम या तो गरीब हमीदा पर जब्र करके उसे किसी के हवाले कर दिया जाए, या फिर अमजद और नसीमा तबाही के लिए तैयार रहे। हमीदा का दिल टूटा हुआ है, अगर उसे मजबूर किया गया तो शायद वो जान ही पर खेल जाए। खुदा करे दुल्हन का दिल साफ हो जाए। जब तक वो तलत से मिलती रहेंगी ये गैर मुमकिन है। ये भी तो गैर मुमकिन है कि नसीमा तलत से ना मिले, आखिर बहन है। मैं किसी कीमत पर भी अमजद और नसीमा को तबाह नहीं होने दूंगा। तो फिर बेटा क्यों ना ऐसा काम किया जाए, ना तूफान ही उठे और ना हमीदा को घर से निकलना पड़े। वो कैसे? अगर तू ठंडे दिल से गौर करे, हमीदा से तेरा निकाह हो जाए, दुल्हन का दिल खुद ब खुद साफ हो जाएगा। अम्मी हद कर दी है आपने, फिर मुझमें और उस गुंडे में क्या फर्क रह जाएगा जिसके चुंगल से अमजद उसे छुड़ाकर यहाँ लाया। खुदा के लिए ऐसा हरगिज मत सोचिए। क्या मुसीबत है? जिससे शादी के लिए कहो वही उल्टा पड़ता है। ये क्यों नहीं समझते कि निकाह सानी खुदा रसूल का हुक्म है? माशाल्लाह आज तो तबीयत अच्छी है। दूल्हा भाई पर तो सुमिदा की बच्ची ने जादू कर दिया है, अब उन्हें आपकी क्या परवाह है? आप ही ने गलती की जो उसे घर में घुसने दिया। घर उसका था, मैं कैसे रोकती? ये अच्छी जबरदस्ती है, जिसे चाहे आपके सर पर ला के बिठा दे। मजा आता अगर कोई बीए पास मिलती। वो मुझसे खफा है, लेने नहीं आएंगे, मुझे खुद ही जाना चाहिए था। इस तरह गुलाम बनकर रहने से फायदा, आप जरा सख्ती बरत कर तो देखिए। कैसी सख्ती? कहिए कि हमीदा को फौरन घर से निकाल दीजिए, ऐसा वो हरगिज नहीं करेंगे। तब फिर आप उनसे तलाक मांग लीजिए। कसम खुदा का, पागल तो नहीं हो तुम? तलाक लेने को कौन कह रहा है? जरा धमकी देकर तो देखिए, दूल्हा भाई के होश ठिकाने ना आ जाए तो कहना। तलत, खुदा ना करे कि बात बढ़ जाए। तौबा करो बाजी, आखिर मैं आपकी बहन हूँ, आप इस तलाक वाले मुतालबे को आजमा कर तो देखिए। आज अजीजा कहाँ है? दिन भर तो खेलती रही, शाम से अम्मी अम्मी पुकारते हुए थक कस हो गई। अमजद अभी जाकर लाओ दुल्हन को, बच्ची सुबह से हिरासा हो रही है। वो खुद ही आ जाएंगे। अमजद पढ़े लिखे होकर नादानों सी हरकत नहीं किया करते। अगर दुल्हन कोई बात गलत समझ ले तो तुम्हें चाहिए कि उनकी गलतफहमी दूर करो। मियां बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक है, खुदा ना खास्ता अगर टूट जाए। खुदा ना करे, और ऐसी कोई खास बात भी तो नहीं। जरूर है, मैं इस घर को किसी सूरत दोजख में बनने दूंगा। अव्वल तो तलत का यहाँ आना बंद होगा, और उसके बाद दुल्हन अब अपने महके नहीं जा सके। इससे बेहतर कोई तरकीब हो ही नहीं सकती। जड़ को पकड़ लिया है आपने, ये सिर्फ शाखों की कतर बहुत है, जड़ बाकी है। अगर इससे काम ना चल सका तो जड़ ही कुरेदनी पड़ेगी। ये नहीं होगा भाईजान। जरूर होगा, सिर्फ तुम्हारी खुशगवार जिंदगी की खातिर। आदाब हमीदा बेगम। बेटी अजीजा कैसी हो? अम्मी जान को याद किया है? कल से कई दफा याद कर चुकी हूँ। तुम्हारे होते हुए कौन किसी को याद करता है? मैं लाख सही, मगर बच्ची भला माँ को भूल सकती है? शोहर बीवी को तो भूल सकता है। आपा, आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। हमीदा बेगम, मैं तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ, जिस घर ने तुम पर इतना बड़ा एहसान किया है उसे तबाह ना करो। हाँ हमीदा, मर्दूबे मुए तो 60-60 वर्ष के शादी कर लेते हैं, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, और बेवा का निकाह तो शरा से भी जायज है। ये कोई जरूरी नहीं आबा, जिसका जी चाहे करे ना चाहे ना करे। जी ना चाहने की भी एक ही कही। वाह हमीदा बेगम, मैं अपने बुरे भले को अच्छी तरह समझती हूँ। तलत आपा, इस घर में अम्मी बुजुर्ग हंसती हैं, मैंने उन्हें भी इनकार कर दिया है।
अम्मी ने भी तो कोई मसलत समझी होगी, तभी कहा होगा। अल्लाह के फजल से इस घर में दो जवान भाई हैं। खुदा के लिए खामोश हो जाइए, आज तक इस घर में किसी ने मुझ पर ऐसी बेगैरती का इल्जाम नहीं रखा, वरना जहर खा लेती। बातें तो बड़ी लच्छेदार आती हैं तुम्हें, जहर खा लेती, मगर डॉक्टर अमजद को नहीं छोड़ सकती। बस कीजिए आप, मैं चली जाती हूँ इस घर से। तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। तलब, तुम इस घर में आग लगा चुकी हो और अब तमाशा देखने का इंतजार कर रही हो। साफ क्यों नहीं कह देते कि तलब तुम यहाँ से निकल जाओ। दुल्हन, तुमने बड़ी गैर जिम्मेदारी की बात की है, शायद तुम तलाक के अंजाम से वाकिफ नहीं, अपने अल्फाज वापस लो। देख लिया बाजी, रंग उड़ गए हैं चेहरों के। रंग तो चेहरों पर फिर भी वापस आ सकता है, ये सरासर मेरी खुददारी के खिलाफ है भाईजान। बाज़ औक़ात इंसान अपने नामूस की खातिर अजीज से अजीज शय भी कुर्बान कर देता है। Thank you.
बाजी सुना है, कल से सारा घर आपको जलील कर रहा है। खुदा ना खास पाप लवारस तो नहीं, नवाब की बेटी है, अगर चाहे तो इस घर को खरीद कर छोड़ दे। बात का बतंगड़ बन गया है, तू अभी जिद पर है। मेरे ख्याल में मुझे वो पीछे हटना चाहिए। तो फिर याद रखिए, आइंदा से इस घर में आपकी कोई इज्जत ना होगी। तो क्या फिर तलाक मांग लो? वो खुद भी ना दे सकेंगे, उन्हें आजमा कर तो देखिए, जब तीसरी बार तलाक कहे तो रोक दीजिए। इनकी बातों में ना आइए, गलत समझा रही है आपको। खामोश, तू ही इस घर को आग लगाने वाली है। मैं लाख बुरी सही, आपके भले ही कह रही हूँ। बेबी की खातिर अपना फैसला बदल दीजिए। मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। यानी तुम तलाक लेना ही चाहती? ये तो बेवकूफ है। ऐसे ही लक्षण होते हैं शरीफ जातियों के। मेरी बच्ची जहर खा लेती मगर तलाक लेकर मुंह ना दिखाती। बहुत बुरा हुआ, तानों से पहले ही कलेजा छिट कर रह गया है, अब और ताने कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा। मेरा मन चाह हरगिज तलाक लेने का ना था। वो तो खुद ही नहाना तलाश कर रहे थे, बाजी के मुंह से लफ्ज तलाक निकला, फट से तलाक दे दी। मगर इसकी जबान से ये लफ्ज निकला ही क्यों? मेरी किस्मत में ये लानत और रह गई थी, वो भी मिल गई। नसीमा, मेरे मरने का इंतजार तो कर लेती, और फिर यहाँ क्या लेने आई हो? औरत की पनागाह शौहर का घर है, तुम वहां से निकल आई, अब दुनिया में तुम्हें कहीं पना नहीं मिल सकेगी। मैं बहुत नजदीक तो लुट चुकी, किसी के कहने में आकर अपनी दुनिया तबाह कर ली। आप सदमा ना कीजिए। अगर इतना ही दर्द अपने बूढ़े बाप का होता तो तलाक का लफ्ज कभी अपनी जबान से ना निकालती। अरे नहीं बेगम, नहीं, अब अमजद से हमारा क्या वास्ता? मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? हाय अल्लाह, तूने मुझे गायब क्यों ना कर दिया? मैं झूठ कहकर सचमुच गुनाहगार बन गई। आपने तमाम रात भी इसी तरह परेशानी में गुजारी है, बड़ा गलत फैसला किया आपने। ये सब कुछ मुझ बदनसीब की वजह से हुई। नहीं हमीदा, ये हम दोनों की बदकिस्मती थी, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। होने वाली बात तो होकर ही रहती है, मगर कहने के लिए तो बेचारी हमीदा ही मजबूर साबित हुई। आप सच कहती हैं अम्मी, ना मैं निगोड़ी इस घर में आती और ना ये आफत भाईजान पर आती। यूं ना कहिए अम्मी, किसी मजलूम को मनहूस समझना खुदा को बुरा मालूम होता है। जो कुछ होना था हो गुजरा, आइंदा हमीदा से इस बारे में कोई कुछ ना कहे। चलिए नाश्ता कर लीजिए। आ रहा हूं, चलो। चलो बेटा। बेटी अजीजा, अजीजा बेटी कहाँ हो तुम? नाश्ता कर लीजिए। हमीदा, अजीजा अब कभी नहीं आएगी यहाँ? मैं ले आऊंगी उसे। खुदा करे अजीजा आ जाए, वो फिर इस घर में आ जाए। क्यों रो रही है ये साहबजादी? ऐसे ही जिद कर रही है। फिर चुप कराओ ना इसे। 24 घंटे का रोना पीटना, किसी वक्त तो घर में आराम मिलना चाहिए। आखिर बच्ची ही तो है, और मैं अकेली कब तक संभालू इसे? क्या शर्माए रखी है यहाँ? हैं तो सभी, लेकिन कोई आकर पूछता तक नहीं। घड़ी भर इस बच्ची को बहला ले तो क्या बुराई है? इन लाडों से पली है ये बच्ची। लाडों से पालने वाले तो गार हो गए, मुसीबत हमारी जान को। अम्मी, कुछ निकालने से पहले सोच भी लिया कीजिए। बेहजा
मुझे अकल देने आई है? कितना अच्छा नाम निकाला है नवाब मुजफ्फर अली खान का। बेगम साहबा, जिस तरह अपनी मर्जी से पहले शौहर को छोड़कर आ गई हो, उसी तरह आप दूसरे मर्द भी ढूंढो। अम्मी खुदा के लिए बस कीजिए, इस घर में मेरे ही रहना मुश्किल था, तुझे कौन रहने देगा रसीला। अब्बा जान आप कुछ मना करते हैं कि किसी बात से असर आप खुद न ले, मगर आप मानते ही नहीं। या अल्लाह, मैं बहुत दलील हो चुकी, कहीं ऐसा ना हो। नसीना जी, तुम अपने कमरे में चली जाओ, अमजद मियां से पर्दा करो, तलाक के बाद तुम उनके लिए नामहरम हो, जाओ। तुम्हारे अब्बा जान आए हैं, जाओ उनसे मिलना। आइए डॉक्टर साहब। कैसी है मेरी बेटी, आपकी तबीयत कैसी है? जी रहा हूं। आपने किसी बात का बहुत ज्यादा असर लिया है। क्यों ना लेता डॉक्टर साहब, आखिर इंसान ही तो हूं। लेकिन आपने मेरी मेहनत पर पानी फेर के रख दिया है। सब कान खोलकर सुन ले, अगर अब इनको राय बराबर भी सदमा हुआ तो शिरियान फट जाएगी और ऑपरेशन के सिवा कोई चारा नहीं। या अल्लाह रहम कर, अब्बा जान के सिवा इस दुनिया में मेरा कौन है? अपने हबीब के सदके उनकी जान बख्श दे। इन्हें मुकम्मल आराम दीजिए और इंतहाई तवज्जो के साथ दवा बराबर देती रहना और हर चार घंटे के बाद इनकी हालत से मुतला करती रहो। आप भी खुदा के लिए एहतियात बरतिए। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। डॉक्टर साहब, आज की भी और आइंदा के लिए भी आपको मुझसे फीस लेनी होगी, मैं तभी आपसे इलाज कराऊंगा। पहले हुजूर से एहतियात तो हो जाए, मालूम था और अब भी वही हूं। आप ऐसी बातों को सोचना बंद कर दीजिए। अच्छा खुदा हाफिज़। हम तुम्हारे लिए चीजी नहीं लाए, कल जरूर लाएंगे। अच्छा जाओ बेटे, अब खेलो। और वो भी मुझे कबूल कर ले तो? तलाक के बाद बीवी शौहर पर हराम हो जाती है बेटी। फिर कोई और सूरत बताइए काजी साहब। पहले सुन लो, तुम्हारी बीवी जो अब मुतल्लका है और तुम पर हराम है, चार माह इद्दत के गुजारने के बाद किसी गैर मर्द से निकाह करे। तब इससे तो तड़प तड़प कर जान देना ही बेहतर है। वालेकुम अस्सलाम। जरा सी गलती की इतनी बड़ी सजा। तब तुम्हें तलाक मांगनी ही नहीं चाहिए थी, शौहर और बीवी को एक दूसरे के दिल दुखाने का बदला जरूर मिलना चाहिए। ना वो इस तलाक को बर्दाश्त कर सकेंगे और ना मैं, और कुछ नहीं। तलाक तो आखिरी चीज है बेटा, जब कभी ऐसी सूरत दरपेश हो कि मियां बीवी का गुजारा हो ही ना सके। मगर तुमने तो फजूल सी बात पर तलाक मांग ली। प्यार फैलाती तोड़ने वाले, प्यार का ये दस्तूर नहीं है, प्यार का ये दस्तूर नहीं। मेल हमारा और तुम्हारा, किस्मत को मंजूर नहीं है, किस्मत को मंजूर नहीं। प्यार भरा दिल तोड़ने वाले, प्यार का ये दस्तूर नहीं है, प्यार का ये दस्तूर नहीं। Thank you.
तुम्हारा मुझको ये इल्जाम न दो, मुझको ये इल्जाम न दो। अपने दिल की बात में आकर, अपने दिल की बात में आकर बेदर्दी से काम न लो है, बेदर्दी से काम न लो। मेरी तरह दुख दर्द के हाथों आज कोई मजबूर नहीं है, किस्मत को मंजूर नहीं। जा लुटा कर तू परे अपनी मौत का दामन छू लेंगे, जीत दिया भूलने वाले हम ना तुमको भूलेंगे, हम ना तुमको भूलेंगे। दूर हुए हो तू नजरों से दिल से, लेकिन दूर नहीं है प्यार का ये दस्तूर नहीं, प्यार का ये दस्तूर नहीं। भाईजान, बड़े भाईजान को सख्त बुखार है। बुखार? जी हाँ, बेहोशी की हालत में ना जाने क्या कुछ कह रहे हैं। अर्जुन, हाय अल्लाह, ना जाने क्या हो गया है मेरे बच्चे को। मैं बुला के लाता हूँ अमजद मियां को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजीजा, अजीजा के सिवा कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या कह रहा है। बुखार तेज है। हफ्ते भर से कुछ खाया भी तो नहीं, जब भी खाने बैठा अजीजा याद आ गई और उठकर चला आया। बुखार नहीं होगा तो क्या होगा? कागज कलम लाइए, मैं उसका लिखता हूँ। हाँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकर अजीजा को ले आऊं। हाँ ले आओ, अगर वो माँ के बगैर, और माँ उसके बगैर। क्या लाने के लिए कहा था आपने मुझे? हाँ ना, इसे भी सख्त बुखार हो रहा है। हाँ अम्मी, अंगारों की तरह दहक रहे हैं, चलो इन्हें कमरे में ले चले। या अल्लाह, ये क्या जुल्म है तेरा, बर्बादी के लिए और कोई घर नहीं दुनिया में, ये मुसीबतों के पहाड़ हम पर क्यों टूट पड़े? आज देर हो गई अमजद मियां को, वरना तो वक्त पर आ जाया करते थे। आखिर अमजद भी तो इंसान है, यहाँ आकर उसके दिल पर क्या गुजरती होगी वो ही जानता होगा। सलामत करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा जान, यही है वो हमीदा बेगम जिन्होंने बाजी का घर उजाड़ा है। अच्छा, यही हमीदा है? जी हाँ, मैं ही बदकिस्मत हमीदा हूँ। आया अपनी भतीजी को देखने के लिए तड़प रहा है, न खाना न पीना, सारी सारी रात उन्हीं की याद में परेशानी से चक्कर काटते रहना। नतीजा ये हुआ कि वो भी आज बुखार में सुलग उठे। हमीदा, दवा खाने आने जाने से माजूर हो गए, मरीज सब जाते रहे, दवा खाना खत्म, न भाई का इलाज कर सकते हैं और न खुद का। बस करो हमीदा, बस करो। बाजी, मैं अजीजा को लेने आई हूँ। ये उनकी अमानत है, अगर वो मांगते हैं तो ले जाओ। बाप ने तो कहा है अगर उसकी माँ अजीजा के बगैर रह सके तो लाना, मगर ताया के आंसू नहीं थमते। अमीना, मुझे माफ कर दो। ये क्या कह रही है बाजी? मैं तो खादमा हूँ आपके, अगर तुम्हारा दिल मुझसे साफ है तो मुझे एक बार उनसे मिला दो, मैं उनके कदमों में सर डाल दूंगी, अपने गुनाहों को माफ कराऊंगी। अगर आपको किसी ने उनके पास देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। होने दो हमीदा, अगर भाईजान खुद राजी ना हुए तो? पहले उनसे कुछ ना कहो, मुझे उन तक पहुंचा दो। अच्छा, आप रात को 12 बजे आ जाइए। जरूर आऊंगी,
तुम अजीजा को लेती जाओ। वो रहता है अब्बा। अजीजा मेरी बच्ची यहाँ जाओ अपने ताया अब्बा के पास। मेरी बच्ची लो भी अजीजा अब रात हो गई 12 बज रहे हैं सो जाओ। सो जा मेरी जान सो जा मेरी जान सो जाओ मेरे चांद रे सो जा मेरी जान सो जा मेरी जान ओ सो जा मेरी आंख के तारे तारे दिल के सहारे सोए पड़े हैं चांद सितारे सो जा मेरे चांद सो जाओ मेरे चांद रे सो जा मेरे चांद सो जा मेरे नसीमा को जायज तौर पर अपनाने का हक दिला दे तो मैं अपना सब कुछ उसके हवाले करने को तैयार हूं सब कुछ। मुझे माफ कर दीजिए मुझे माफ कर दीजिए। तुम यहां? हाँ मैं गुनाहगार। यहाँ क्यों आई? पता नहीं क्यों चली आई। आपकी तबीयत खराब है ये सुनकर मुझसे रहा ना गया। मैं बेताब हो गई। आखिर कभी तो जिंदगी में आपसे वास्ता रहा है? वास्ता भी किस कदर अजीब और कितने दर्दनाक तौर पर टूट चुका है जिसे ना कोई मौलवी न काजी और न कोई कानून बिला शर्त के जोड़ सकता है। खुदा ये वक्त किसी दुश्मन को भी न दिखाए। काश मुझे इस सिलसिले में बदनामी का पहले एहसास होता। घर पर आपके लिए धूम मच रही है और आप यहाँ रात के वक्त एक नामहरम के पास अपने बाप की इज्जत का तो ख्याल किया होता। तलब शोर मचाने की कोशिश करो। जी क्यों ना मचाऊं शोर? दुल्हन यहाँ इस वक्त? जी क्यों आई हो यहां? मैंने बुलाया था भाईजान। मुझे ख्याल हुआ कि जब मैं इनके कहने से हमीदा को नहीं छोड़ सका तो ये अपनी बच्ची को कैसे भुला सकेंगे, इसीलिए बुलाया था। तू लाख बुलाता मगर दुल्हन को यहां इस तरह नहीं आना चाहिए था। बड़ी बदनामी की बात है। ले जाओ अजीजा को वरना तुम पर जुल्म होगा।
रखिए अपनी औलाद को, नहीं तो इसी तरह रातों को बुला बुला के मेरी बहन को और बदनाम किया जाएगा। चलिए बाजी। रहमत चाचा, अजीजा को ले लीजिए। खुदा आपको सब्र दे बेगम। कहाँ इस कमबख्त को फेंकाऊँ, क्या करूँ? काम कैसा है कि आप इस पार्षद का निकाल दीजिए, हम खुद निकल जाते हैं। चले सामान बांध लो अपना। क्या दहशत है आखिर, क्यों तुम सब मिलकर मेरी जान लेना चाहते हो? या खुदा, अब तो मुझे मौत दे दे। आपकी आई मुझे आ जाए, मुझे माफ कर दीजिए अब्बा जान, बेशक मैं इस घर में रहने के लायक नहीं। अम्मी जान आप यहाँ रहिए, मैं चली जाती हूँ। कहाँ जाओगी तुम? जहाँ किस्मत ले जाए। आप भूल जाइए कि कभी नसीमा पैदा भी हुई थी, मैं जैसे उनके लिए मर चुकी इसी तरह आपके लिए। खुदा आपको सलामत रखे। खुदा हाफिज। नहीं नहीं मेरी बच्ची, नहीं। खुदा के लिए अब्बा जान मुझे भूल जाइए। नसीमा, 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 मेरी बच्ची, नसीमा। आप साहब बेहोश हो गए? अच्छा मैं आ रहा हूं। हेलो नर्स, एम्बुलेंस का इंतजाम करके नवाब साहब को ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाओ, मैं आ रहा हूं। मुजफ्फर अली खान चल रही रहम कर, मेरे अंगद को हर आफत से महफूज रख। ऑपरेशन का तो एक बहाना हो, वैसे वक्त आ चुका था उनका। खुदा ने जन्नत नसीब करे। ना रो बेटी नसीमा, सब्र करो। जिस दिन से इस मलहूस ने घर में कदम रखा है, हालत बिगड़ती ही चली गई। आखिर में जान लेकर छोड़ी उनकी। कोई किसी की जान नहीं लेता बेगम। ये तो खुली बात है, डॉक्टर अमजद ने बदला निकाला है हमसे, जानबूझकर मार डाला है उन्हें। तौबा कीजिए अम्मी, वो भला क्यों ऐसा करने लगे? देखा कैसी आग लगी है उसके नाम पर। चुड़ैल अभी तक उसका दम भर रही है जिसने बाप की जान ले डाली।
जरा सिविल सर्जन की रिपोर्ट आ जाए फिर देखना कैसा मजा चिखाती हूँ समझत के बच्चे। उन्हें आफत में फंसाने से कि अब्बा मरहूम वापस आ जाएंगे अम्मी। तू आ जाना हमायती बनकर दलील कहेगी निकल यहाँ से। कितनी शक्ति न कीजिए बेगम ये कहाँ जाए बिचारी। चार जहन्नम में मेरी बला से मैं अपने दुश्मन को आज इस घर में नहीं रहने दूंगी। चल निकल रहम कीजिए अम्मी जी। या अल्लाह मैं कहाँ जाऊँ अब। भैया जी मुसीबत में फंस गए। न नाना अब्बा का घर मिलता है न ताया अब्बा का और न ही हमारा। आजीजा अलग गुम हो गई अब क्या करें। अम्मी कहाँ है तुम कहाँ चली गई। कहाँ लिए जा रहे थे इसे। तुम्हारे ही पास ले जा रहा था बेटी और कहाँ ले जाता। खुदा का शुक्र है मैंने देख लिया वरना खुदा जाने कहाँ ठोकरे खाती फिरती मेरी बच्ची। चलो बेटी मेरी गलतियों की सजा तुम भी मेरे साथ भुगता। इस तरफ कहाँ जा रही हो बेटी कहीं मकान तो नहीं भूल गई अपना। मैं तो किसी को नहीं भूली मुझे ही सब भूल गए। पर कहाँ जा रही हो। जहाँ किस्मत ले जाए कोई ठिकाना हो तो बताऊँ। है तो सही बेटी मेरा मकान है भूला हुआ जरूर हूँ मगर ढूंढने से मालूम हो जाएगा। चलो मेरे साथ। नहीं चाचा जान तुम बस किस्मत को पनाह दोगे तो खुद भी बेठिकाना हो जाओगे। बेठिकाना तुम मुद्दत से फिर रहा हूँ। आओ तो सही खुदा ने चाहा तो मकान मिल जाएगा। आओ मेरे साथ। चलो मेरी बेटी। रुखसत अली के साथ अजीजा को खेलते देखा था पता नहीं कहाँ लेकर चला गया है। सब जगह ढूंढ लिया ना अजीजा का पता है ना भाभी नसीमा का। बेगम ने उन्हें भी तो घर से निकाल दिया है। अगर अजीजा न मिली तो अशरफ की मौत सुन लीजिए। मट्टी पड़े उस मुए रुखसत पर न जाने कहाँ गारत हो गया है। नसीमा तो गई ही थी अब अजीजा भी गई न जाने किस तरह की खाक छान रहे होंगे। रहमत चाचा उन्हें कहीं से ढूंढ कर लाइए। बेहतर। अरे यहाँ तो ताला खुला हुआ मालूम होता है ये दूसरों का कब्जा इतनी जल्दी हो गया। जरा ठहरिए कहीं कोई पागलपन न कर बैठिए आप। पागलपन के क्या माने सिर्फ आदमी बदले हुए दिखाई दे रहे हैं मकान तो मेरा ही है। मैं आ रहा हूं। क्या मुसीबत है आखिर हमारा घर किधर चला गया। मैं ना कहती थी देखभाल कर अंदर जाइए। कुछ गड़बड़ जरूर हो गई मकान जरूर है मेरा। चलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे जानते हैं। जानते तो आप भी हैं मुझे मगर याद ही कब होगा। मैं आपको जरूर जानता हूँ। रुखसत अली है ना आप। अरे जाओ मियाँ अपना काम करो। रुखसत अली नहीं तो और कौन है आप। ओ हाँ भाई मकान कहाँ है मेरा। आइए मैं बताऊंगा आपको। आइए लो बेटी ये है हमारा शीश महल। ये मकान आप ही का है ना। पता नहीं वो आदमी मेरा यार कह रहा था। ये हुक्का मेरा ही है। अब तुम यहाँ आराम करो। आदर डाल ले बेटी रोने के लिए रोज आंसू चलाई।
ना रो बेटी ना रो, मैं लाता हूँ मिठाई तेरे लिए। खुदा के लिए हमें भूल ना जाइए, वरना और मुसीबत हो जाएगी। नहीं बेटी, ऐसी बातें भला भूली जाती हैं। मैं निशान लगाता हुआ जाऊंगा और निशान देखता हुआ चलाऊंगा। अरे लाहौर वाला कुबल, आए जरूर थे किसी काम, और कहां से आए थे और क्यों आए थे ये भूल गए। अरे रुखसत अली कहां थे, अजीजा कहां है? हमें क्या पता होगी, अपनी अम्मी के पास। और मेरे साथ जरा गोशमाली हो जाए आपकी, अजीजा को ना जाने कहां छोड़ आए। बताओ अजीजा कहां है? पहुंचा दिया उसकी अम्मी के पास। मगर उनकी अम्मी तो घर में है ही नहीं। घर पे नहीं तो हम क्या करें? अगर अजीजा ने मिली तो मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। याद करो, सोचो तुम कहां और किसको दिया है। तेज जरूर आया हूं कहीं, मगर याद नहीं आ रहा कहां दे आया हूं। याद नहीं पड़ता, याद नहीं पड़ता। सबने मिलके इन्हें घबरा दिया है। आप बैठिए। अजीब पागल आदमी है, बच्ची को इसके हवाले किया ही क्यों था? बच्ची को तो हमने पहुंचा दिया। और भूल गए सर तुम्हारा। रुखसत अली, खुदा के लिए याद कीजिए, अजीजा को कहां छोड़ा है, कहां छोड़ा है उसे? अव्वल तो वैसे ही गरीब भूल का मरीज, और अब जहां तक नजर काम करती है वीरानी, तबाही और बर्बादी। आ गया आज का ताजा अखबार, डॉक्टर अमजद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नवाब मुजफ्फर अली खान की मौत डॉक्टर अमजद की गलती से हुई, सिविल सर्जन की रिपोर्ट। आ गया ताजा अखबार, डॉक्टर अमजद ने अपनी गलती तस्लीम कर ली, डॉक्टर अमजद को स्टेशन पुल कर दिया गया। आ गया आज का ताजा अखबार, नवाब मुजफ्फर अली खान की साहबजादी तलक बेगम और उनकी बेवा का दार दालिया में बयान। डॉक्टर अमजद ने खान की झगड़ों की वजह से नवाब मरहूम का ऑपरेशन गलत किया, डॉक्टर अमजद ने जाति दुश्मनी से इनकार कर दिया मगर ऑपरेशन की गलती तस्लीम कर ली। आगे आज का ताजा अखबार, तो सबके दिलों का हाल जानता है रब्बुल इज्जत, उनका कोई कसूर नहीं। तुमने इस बलाए नागहानी से बचा ले, उन्हें साफ परी कर दे। तू रहीम है, तू करीम है, करम कर। आगे आगे आज का ताजा अखबार, अदालत आलिया ने डॉक्टर अमजद के मुकदमे का फैसला सुना दिया, डॉक्टर अमजद को फांसी की सजा। आगे आगे आज का ताजा अखबार। कश्ती है नहीं कोई सहारा, रहमत को जरा कर दे निगाहों का इशारा। मंझदार में कश्ती है, मैं तेरे सिवा किसको ये फरियाद सुनाऊं, फरियाद सुनाऊं। मैं तेरे
मजलूम का इंसाफ तेरे हाथ यार, तेरे हाथ यार, बिगड़ी मेरी बन जाए तो क्या बात है यार, इंसाफ को तेरे, इंसाफ को तेरे, किसी दुखिया ने पुकारा। मुझे तलाक
क्यों रही हो? नहीं नहीं, यह लफ्ज मुंह से ना निकालिए। तुम ही तो जिद कर रही थी। मेरे मुंह में खाक, अगर ऐसा लफ्ज मुंह से निकालूं तो जबान काट डालिए। शरीफ जादियों की यही निशानी है। शाबाश बेटी, मुझे रात भर नींद नहीं आई। आप सलामत है अब्बा जान। खुदा का शुक्र है, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, वरना मैं जिंदा न रहता। अब कुछ दिन और निकाल लूंगा। खुदा आपको सलामत रखे अब्बा जान। रात भर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगती रही, तूने कबूल की परवरदिगार, तेरा शुक्र है। बड़ी तबाही से बच गया ये घर, अब मैं खुशी से जा सकती हूँ यहाँ से। मैंने ची हमीदा, मुझे माफ कर दो। ये क्या कह रही है बाजी, मैं तो आपकी खादिमा हूँ, मेरे हराम को पता हो गया। सुना है बाजी, कल से सारा घर आपको जलील कर रहा है। खुदाना खास्ता आप लावारिस तो नहीं, नवाब साहब की बेटी है, अगर चाहें तो सारा घर खरीद कर छोड़ दें। खामोश रहो। अमा यार, ये पटाखा किसने चला दिया? चुप रहो जी, तमाचा है तमाचा। ना बाजी, माँ माँ बदौलत कीजिए इज्जत। हाँ, मेरी छोटी बहन हो ना। हाँ जी, तभी तो खामोश रही, वरना शाबाश। आओ खुदा तुम्हें समझ दे। आओ सब मिलकर चाय पिए, खुदा ने इस घर को आफत से बचा लिया। तशरीफ लाइए। अम्मा यार, हमें भी तो कुछ बताओ, आखिर ये मामला क्या है? अजब आदमी हो, रात भर तो सुनते रहे हो और आप पूछते हो कि मामला क्या। अच्छा, ये लो अमजद भैया। शुक्रिया भाई, सही बात। तुम अभी शायद लाया।